एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग बहुत जागरूक हैं और वो एक आवाज के बंद करेंगे वहाँ 23 तारीख को। मैं 5 मिनट आपसे अपनी बात रखूंगा, मैं चाहता हूँ आप बड़े गौर से सुने। जयवीर, देखिए कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि हमने संविधान पढ़ने की बात करते, संविधान मानने की, लेकिन बाबा साहब के संविधान के खिलाफ जाके बात कर रहे हैं। लेकिन सच ये है, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई फैसला देती है और उससे ऐसा मत है तो हमें अपना कैमरा नीचे करो, इसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं याद दिला दूं आप सब लोगों को, बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज पढ़े लिखे लोग लड़ रहे हैं और आम आदमी तक बात पहुंचाने की दे रहे। 2 अप्रैल से बड़ा आंदोलन होगा 23 तारीख को, ये याद रखना आप सब लोग। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि बड़ी मुश्किलों से इस कारवा को मैं यहां तक लेकर आया हूं, अगर आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। लेकिन आज क्या हो रहा है, पीछे जा रहा फैसला ये है। कान खोलकर सुन ले सब लोग, सिर्फ प्रमोशन में नहीं नियुक्ति में भी रिजर्वेशन मौलिक अधिकार नहीं, ये कहा है कोर्ट ने। और कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि आप इसके खिलाफ कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं, रिट भी दाखिल नहीं कर सकते हैं। ये दोनों चीजें गलत है। आर्टिकल 16(4)(a) में ये प्रावधान है रिजर्वेशन का एसटी को, और ओबीसी में तो बहुत पहले से हमले हो रहे हैं जब से 92 में मंडल कमीशन आया था। अब जरूरत है देश के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठा होने की और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की। कभी ये नहीं कि जब सीएनआरसी लागू हो रहा है, सीएए लागू हुआ तो एससी एसटी ओबीसी के भाई पीछे खड़े थे, उनको लगा मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों के खिलाफ नहीं है ये, तुम्हारे वोट का अधिकार छीनने का बड़ा वो है। और ये भी इसलिए विरोध किया जा रहा है क्योंकि आर्टिकल 14-15 को खत्म करके कानून बनाया जा रहा है। ये जो देश के संविधान की हत्या करे कानून बनेगा, हम उसका ना आज समर्थन करते ना कभी भविष्य में करेंगे और ना होने देंगे। आप याद रख लें, आरक्षण को छूने नहीं देंगे किसी भी गवर्नमेंट को और कोर्ट को भी। ये कोर्ट अच्छी तरह जान ले, जो जनता चाहेगी वो होगा इस देश में। ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान जय भारत। इस देश में अभी यूपी की बता रहा हूँ, दो चीजें गौर को कान खोलकर सुनना। यूपीएससी का रिजल्ट 2015 में जो हुआ था, 314 बच्चे ओबीसी के, उनको वो आईएएस बनते, उनको उनका ये कह के क्रिमिनल एयर की बात करके नए नियम बना के उनको वो कर दिया है बेरोजगार। ये कर रही है भाजपा की गवर्नमेंट, और भाजपा गवर्नमेंट लाई उत्तराखंड से उठा के यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए। महमूद प्राचा साहब यहाँ है, हमने रिट भी फाइल किए। उत्तराखंड की बीजेपी गवर्नमेंट लाई, झूठ ना बोला जाए कि बीजेपी हमारे खिलाफ नहीं। बीजेपी देश के दलित पिछड़े आदिवासी और मुसलमानों धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ पूर्ण रूप से उन्हें देश में बर्बाद कर देना चाहती है। ये आंदोलन जारी रहेगा, किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा। दूसरी बात, अभी एक हमारे बहुत जिम्मेदार साथी, उनकी वाइफ यहाँ खड़ी है, हमारी बहन डॉक्टर कफिल साहब, आप जानते हैं कितने नेक आदमी है, और उनका जुल्म ये है कि वो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको भी बंद किया गया, एनएसए लगाई गई है। मैं बेहतर समझता हूँ कि क्या बीत रही होगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप अकेले नहीं है, हम सब लोग आपके साथ हैं, आपको न्याय दिलाएंगे, आपको जल्दी बाहर लाएंगे। ये वादा हमने अपनी बहन से कर लिया है। इसको भी महमूद प्राजा साहब कोर्ट में और ओपी भारती जी लड़ेंगे अब हाई कोर्ट में। अब एक बहुत जरूरी बात जो आप सब लोग जान लें, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, मैंने जैसे फैसला बताया लोगों को पता ही नहीं है, हमारे एजुकेटेड लोगों भी वो कह रहे हैं प्रमोशन में रिजर्वेशन पे आया फैसला, कहां है हम और कितना रिप्रेजेंटेशन है हमारा एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों का। मेरी पूर्ण मांग है सरकार से, सरकार के लोग सुनेंगे भी और देखेंगे भी, कान भी है उनके आंखें भी है। इसमें ऑर्डिनेंस लाके इसको संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए, जिससे न्याय हस्तक्षेप खत्म हो जाए बिल्कुल रिजर्वेशन पे। और सिर्फ एससी एसटी को नहीं, ओबीसी को और माइनॉरिटी को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाए, ये हमारी मांग है सरकार से। ये झूठ नहीं चलेगा, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हमारे भाई हैं, हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और संख्या के आधार पर आरक्षण लागू होगा इस देश में, ये जान ले, ये लोकतंत्र है। जाने दो ना, इतने बड़े हिस्से को दरकिनार करके कुछ लोगों के लिए आप अधिकारों की बात करोगे तो जनता सड़क पर आएगी। 23 तारीख के लिए तैयारी करनी है मुझे। मध्य प्रदेश हम लोग कर आए, राजस्थान कर आए, बढ़िया ऐतिहासिक बंद होगा। अब पंजाब हरियाणा 2 दिन का टूर है, उसके बाद मध्य एमपी महाराष्ट्र का टूर है और छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष चले गए। ये आपकी जिम्मेदारी है। आज लाठी गोली और जेल से डरोगे ना मुकदमों से, तो आने वाली पीढ़ियां जो है गुलाम पैदा होंगी देश में, याद रखना मेरी बात को।
और जानबूझकर तुम्हें मेन स्ट्रीम से हटाने का पूरा प्रबंध कर लिया सरकार ने। झूठी सरकार है, सरकार के ही लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जातिवाद जज इंतजार करते हैं कब मौका मिले इनके खिलाफ कोई फैसला दें, ये चलेगा नहीं इस देश में। अब कॉलेजियम सिस्टम खत्म तब होगा जब सरकारें आपकी होंगी, लेकिन याद रखें अब हर जगह पर रिजर्वेशन की मांग होगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए, और ये लिया जाएगा हर हालत में। और मीडिया के लोगों से मेरा निवेदन है, आप जनहित की बात, जनता की बात को बड़ी गंभीरता रखें, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और वहां हमारे लोग नहीं, हमें लगता है कि हमारी मांग वहां से भी सही तरह नहीं उठती, झूठ दिखा देता सच रोक दिया जाता ये भी नहीं चलेगा। अगर हमने आपके टीवी देखने बंद किए ना तो ये दुकानें बंद हो जाएगी, आप घर बैठे सजोगे याद रखिए। और ये चंद्रशेखर की आवाज नहीं है, ये देश के दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमानों की आवाज है। कोई प्रमाण पत्र चाहे तो बहस करके देख ले, जिसको जरूरत हो बहस करे और बताए कि हमारा टीवी बहुत अप है, हमारी टीआरपी बहुत बड़ी हुई है, एक दिन में धरती पे पटक के ना दिखाई तो फिर बताना। हम लोग जाने कि देश का बहुजन समाज हमेशा से मुल्क के साथ खड़ा रहा है, और आज भी हम लोग अपनी मुल्क में हिस्सेदार इसलिए चाहते हैं कि जाकर उन पदों पर अपने मुल्क के लिए काम कर सके, वरना सब लोग जानते हैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो देश को बर्बाद किया किसी को कोई चक्कर, और सेंट्रल गवर्नमेंट में 85 सचिव हैं, एक दलित, 3 आदिवासी और ओबीसी, 0, ये स्थिति है, और कह रहे हैं देश आरक्षण वाले बर्बाद कर रहे हैं, झूठो हम बर्बाद कर रहे हैं, हमें तो मौका ही नहीं मिला, जिस दिन हम राज करेंगे उस दिन ये देश फिर सोने की चिड़िया होगी, अशोक का देश होगा ये। अभी ये अंगड़ाई है, 23 को बताएंगे कि जन आंदोलन क्या होता है, और याद रखें सबसे बड़े आंदोलन यूपी में होंगे, क्योंकि यूपी के लोग जो है वो शेर हैं, वो अपने अधिकारों के लिए पहले भी कुर्बानी देते आए हैं। मेरे याद है राजस्थान में 72 गुजर भाइयों ने कुर्बानी दी, और हरियाणा में सैकड़ों जाट भाई आज तक भी जेल में है। एससी ओबीसी अपने अधिकारों को जान नहीं रहा था, लेकिन आज जान गया है, अब बताएंगे कि ये देश कैसे चलेगा, ये देश बहुजन समाज के दिखाए रास्ते पे चलेगा और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा, सब लोग जान रहे। तो मेरी मांग है, एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है, ये नहीं सब लोग करेंगे हमारे साथ, कि अपने बंद को शांतिपूर्वक तरीके से करें, विरोध दर्ज कराना है, सिस्टमेटिक रहना है, कोई कैजुअलिटी नहीं होने देनी, सरकार के गुंडे आएंगे आपकी भीड़ में जैसे यहां भी आ सकते हैं, हंगामा करेंगे, पथराव करेंगे, पुलिस के साथ लड़ेंगे, हमारा काम पुलिस से लड़ना नहीं है, पुलिस के पास हमारा कोई अधिकार छिपा हुआ नहीं जो हमें देगी, हमें सरकार से लेने अधिकार और वो हम छीन के लेंगे, तो अपने आंदोलन को बहुत सतर्कता से करें, ये मेरी मांग है सब लोगों से। बाकी याद रखें अब जिसको बहस करनी हो, गृह मंत्री तो झूठ बोलते हैं, उनसे तो क्या बहस करनी, अगर कोई जिम्मेदार आदमी सरकार की तरफ से बहस करे, हमारी तो एप्लीकेशन वहां सेलेक्ट नहीं होगी, कहते हैं कि सीए पे बहस कर ले, मैं बताता हूं कि यहाँ के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को गड्ढे में डाल के पाकिस्तान के दलितों की बात करते हो, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के दलितों की बात, तुम उनकी चिंता करोगे, बाबा साहब जो सबसे बड़े चिंतक थे उनकी सभ्यता निकालने वाले आरएसएस के लोग दलितों की चिंता करेंगे, हम नहीं जानते तुम्हारा चाल चल कितने झूठे हो तुम लोग। ये मेरी दीवार मांग है आप लोगों से कि 23 तारीख को नीचे रख लेना यार, सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन होना चाहिए, आप लोग सड़क पर निकल कर घर ना रहे, ये आपके आने वाली पीढ़ियों का सवाल है, और ये भी सवाल है कि आप यहाँ इस देश में कैसे जिएंगे, अब ये सवाल बन गया है, क्योंकि अगर ये अधिकार बंद हो जाते हैं तो याद रखिए डेमोक्रेसी की बात होती है कि यहाँ डेमोक्रेसी है, आप आंदोलन करने आएंगे, गजब की बात देखिए, दिल्ली की सच्चाई जान लीजिए, आंदोलन करने आएंगे, मैं खुद खा चुका लाठिया गोलियां और जेल, और अगर ज्यादा बोलेंगे सरकार के खिलाफ तो ऐसे मैं जेल आया हूं, काफिल भाई अब चले गए जेलने के लिए, ये है सच्चाई डेमोक्रेसी की। परमिशन ली थी 3 दिन से, आज सुबह 11 बजे जिस समय का समय था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि जी के पास मैसेज आता है कि कैंसिल कर दी गई, ये मजाक बना रखा है, ये मजाक नहीं चलेगा, लाठी गोली और मुकदमों से डरते पलट प्रशासन जान ले और सरकार जान ले और दिल्ली पुलिस भी जान ले, हमारा जो बुनियादी अधिकार है, हमारे जो राइट्स है, आर्टिकल 19 आर्टिकल 46 जो देते हैं, आर्टिकल 14-15 देते हैं, जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 16-4 देता है, उससे छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेंगे, सड़क पर आएंगे, आप चलाओ लाठी सीने बहुत मजबूत है, आप चलाओ गोली सीने बहुत मजबूत है, तेज के बहुत कितना नीचे करूं यार मैं तो।
जेलें बड़ी करो। अब हम देखते हैं कि आपकी जेलों में कितनी जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। एक बार हमारे साथी महमूद भाई भी यहाँ होंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आ जाए। कहाँ है भाई? साइड देना भाई, साइड। वो भी क्योंकि वो छोड़ नहीं सकते किसी हालत में, किसी के भरोसे नहीं। याद रखे मैंने फिर कहा है, जब तक बाबा साहब के बच्चे आरक्षण को छूने नहीं दिया जाएगा किसी को भी, बार बार बता रहा हूँ, कोई हो। जब पहले हमसे मुकाबला करें फिर छूए आरक्षण को। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानने वाले हैं, और यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहला प्रधानमंत्री देश का बनाया जाता तो मैं नहीं समझता भारत जो है अमेरिका, रूस, चाइना, पूरे यूरोप से ज्यादा मजबूत मुल्क नहीं होता। ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलती हमसे हुई है, इसको हमें ठीक करना है। जब तक हम इसे ठीक नहीं करेंगे, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी सब लोग ध्यान से सुन लें, बाबा साहब ने अपनी जिंदगी दे दी हमें गुलामी से आजाद कराने के लिए। अगर हम इस संविधान का प्रयोग करके बाबा साहब को जो हम प्रधानमंत्री नहीं बना पाए, बाबा साहब का जो सबसे प्यारा, सबसे बहादुर, सबसे ज्यादा खतरे लेने वाला जो भी अनुयायी होगा उसको हम अगर प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे इस देश का, तो आप लोग सुन ले, ये सब मिथ्या है, सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। ये बात आप साफ साफ सुन ले। मैं ये संविधान का, कानून का जानकार होने के बावजूद ये बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम रोज पेश होते हैं। अभी भाई चंद्रशेखर साहब ने खुल के बताया आपको, शायद गलती उनकी है भी नहीं, क्योंकि वो सभी लोग सो कॉल्ड अपर कास्ट से आते हैं 90%। उन्होंने वो दर्द, वो पीड़ा महसूस ही नहीं की, ना वो कभी महसूस कर सकते हैं, तो शायद उनकी गलती नहीं है, मगर अन्याय उनके हाथों से हो रहा। तो हमें सभी लोगों को मिलके, जब तक हम लोग जैसा चंद्रशेखर साहब ने अभी यहां कहा है, आरक्षण 100% आरक्षण जब तक सभी संख्या के हिसाब से नहीं होगा सभी जगहों पे, प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, या इस देश की सभी संपदाएं हो, उस पर नहीं होगा, न्याय नहीं आएगा। और ये न्याय, मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, ये आरक्षण के विरोध में जो बोलते हैं ना, लंबी डिस्कशन तो बाद में करेंगे, एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये सभी सरकारें जितनी आज आजादी के बाद से आज तक बनी है, उनके सभी कैबिनेट मिनिस्टर और सभी जज क्या बाबा साहब से ज्यादा समझदार है? तो यही एक हमारा जवाब है, बाबा साहब ने अगर रिजर्वेशन दिया है तो वो इसलिए दिया था कि ये देश तरक्की कर सके, क्योंकि अगर इस देश में एससी एसटी और ओबीसी राज नहीं करेंगे तो ये देश तरक्की नहीं करेगा। करप्शन, भ्रष्टाचार जिस लेवल पे आज है उससे ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए आरक्षण और नागरिकता हमारे देश की मूलभूत चीजें हैं, इसको बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी कम है। अभी चंद्रशेखर साहब ने आपको बताया ही, इन्हीं लफ्जों के साथ मैं ये कह रहा हूं कि ये टेस्ट आने वाले 23 तारीख को आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को मिलकर निभाना है, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, नागरिकता बचानी है। और इस नारे के साथ हम सभी लोग, आप देखेंगे कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करेंगे। मैं आप भाटी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी दो शब्द बोले, उसके बाद चंद्रशेखर जी आगे निर्देश देंगे। सभी साथियों को जय हो। आज सबसे ज्यादा, हेलो, देश में ओबीसी की आबादी साथियों 52%, आरक्षण 27%, और यदि फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन की बात करी जाए तो आज तक उन्होंने केवल 4.5% दिया है, माइनॉरिटी को 19%। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।